नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एसआर सेकंड सीतुरा प्राइवेट लिमिटेड पर। आज देखेंगे पीआरआर कोल्ड स्टोरेज के बाद में एसआर सेकंड पर क्या रेट लग रहा है, क्या वास्तविक रूप से किसानों को उनकी उत्पादन लागत का मूल्य मिल पा रहा है या अथवा रेट नीचे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। निवेदन आपसे यही रहेगा, कोल्ड स्टोरेज से रोजाना अपडेट भाव जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, वो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सभी के पास शेयर करना। चलिए अब देख लेते हैं क्या स्थिति कोल्ड स्टोरेज चले, क्या लग रहा है आप आलू किसानों का, आलू किस रेट पर क्या भाव चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। सात सौ ग्यारह सात सौ इक्कीस सात सौ तीस सात सौ चालीस मैं 39 पूछ लूंगा, इन्हें बाद में प्रोडक्ट तो बताओ, इनसे ही बताओ फिर तुम के बाद। सात सौ पचास एक सात सौ पचास दो और सात सौ पचास तीन मोटो मसालों कम 33 40 50 650 650 1 650 2 संजय भाऊ 800 रुपया 800 रुपया 2 800 2 800 2 रुपया 800 2 2 और 800 2 रुपया। अपन दिनेश निवासी राजनगर, ये 37 97 803 रुपये का है। हाँ सही है, कम लगे या ज़्यादा? वो तो सर कभी पेट नहीं भरा जाता, जो कुछ बिक गया तो बढ़िया है। कई किसान कह रहे हैं कि 1000-1200 वो तो गोल्डन चांस, जिसको मिलेगा उसी को मिलेगा। 750 60 70 85 85 90 91 96 796 1 796 2 और 796। ये क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण। क्या रेट लगाया आपका? 796 37 97 बेच दिया। कितने पैकेट का लौटता है? 90 पैकेट का। आगे क्या लग रहा है आपको? रेट गिर सकते हैं, रेट गिर रहे हैं इसलिए बेच दिया है। करीब 100 रुपये गिर गए हैं। पहले क्या लगे थे? पहले 850 गिरावट है। किसानों के लिए क्या सलाह रही है? किसानों के लिए ये सलाह है कि अब वक्त रहते हैं अपने आलू को बेच दें और रिस्क लेनी है तो थोड़ी बहुत पहले ज़्यादा पैनल है। हमारे अनुमान से करीब 20% ज़्यादा नहीं है? नहीं। तो कितना परसेंटेज उसमें लग जाता है बुवाई में? बुवाई में 30% के करीब आलू लग जाता है हमारे यहाँ। अनुमान लगता कितना? हाँ 20% 30% ये हो गया, 40% भी बता रहे हैं आप। अभी कितना बाकी रहेगा कोल्ड में? 60% 60% बुवाई के लिए कितने महीने रह गए? 2 महीने रह गए। अगस्त और सितंबर में फिर क्या होगा आलू का? फिर क्या है, फिर वही जो कंडीशन आ जाएगी पिछली साल जैसी, इसलिए निकाल। ऐसे किसानों को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। 30 730 730 पंडित जी पास है। 730 दो पंडित जी, 730 है। कौन सा आलू था ये? 37 97 क्या रेट लगे? 730 कम लगे या ज़्यादा लगे? 730 कम लगे या ज़्यादा लगे? कम लगे। कितना चाहिए था? ये भी क्या 850 कम रेट में गिरावट है। हाँ
710 नंबर का जा को 30 रुपया 730 पंडित जी 731 731 एक 731 दो जागे 34 35 735 हैं 735 एक 737 दो और 737 तीन। दादा कौन सा आलू था? 27 आपका था? हाँ। कितने पैकेट थे? 93 93 क्या रेट बताए? 733 737 हाँ बेच दिया। हाँ रेट सही लगे या कम थे? सही है। हाँ हाँ 40 कट्टा 715 20 21 721 एक 721 दो 22 25 730 730 31 35 750 एक 750 दो 51 श्री कृष्ण अरे दागी तुम्हारे सामने 60 रुपया आई 707 307 3797 707 हाँ बेच दिया। कोई उम्मीद नहीं आगे? कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं आलू का भाव कैसा हो। हाँ जी 80 795 पूरे 1 5 छ गणेश रायनगर बीस घंटा सैंपल 25 26 26 एक 227 बटा 104 8 कौन सा आलू है? 697 क्या रेट में बिका है? 826 कुछ उम्मीद थी? कोई उम्मीद ना आगे क्या हुआ? बढ़िया बिका है। बढ़िया बिका है। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। संतुष्टि पूर्ण हुआ है। 1 650 दो 51 51 55 56 छप्पन 60 रुपया 60 665 65 675 70 75 75 दो तीन गाड़ी ला गई है ध्यान रखिए बाद में छोड़ा खाड़ी करो 75 3 पौने 800 करो 801 मेरे कह रहे होंगे और कौन चुकूंगो 802 दो अरे एक और बढ़ा दो 780 रुपया 81 रुपया 99 करते हो जाके 799 799 अरे एक ऊपर दो ऊपर करते हो 811 रुपया 811 रुपया एक 811 दो अरे और बढ़ा दो 15 करते आप तो पीठ डूबी जा रही है 36 रुपया बोलू हाँ जी क्या 30 एक समय तक पहुँचा रहे हो 26 नहीं 40 तो बढ़ा रहा अभी बना तो है 30 रुपया एक 830 दो 31 831 बात तो बढ़िया तो मैं नहीं चिन करूँ 831 एक 831 दो मेरे बहू के 831 कौन सा आलू था चंबल वाला क्या रेट बताए 831 रुपये क्या रेट में गिरावट है नहीं साहब बढ़िया आलू अच्छा बिक रहा है अच्छा आलू अच्छे रेट में बिक रहा है बेच दिया हाँ 831 रुपये में बेच दिया सर आगे क्या लग रहा है बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे आगे चांस
अभी हिसाब से पोजीशन सही नहीं दिख रही है जी। जी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते ना, हो सकता है ऊपर चला जाए। अभी की गिरावट से तो ये लग रहा है कि कहीं नीचे ना आ जाए, एक साथ जो गिरावट आई है उससे जी। सात सौ सत्तर एक, 770 2 और 770 3 का। कहाँ से आए हैं? गांधीनगर से। कौन सा आलू तैयार? 37-97 850 870 770 हाँ हाँ बेच दिया। किसान साथियों, अगर बात करें एसेंस सीतुग्राह प्राइवेट लिमिटेड सेकंड की, तो यहाँ पर आलू 862 रुपये प्रति पैकेट पर बिका है। आलू के अच्छे रेट चल रहे हैं, हालांकि कई किसान अभी संतुष्ट नहीं है और वो संतुष्ट आजीवन होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर उनका 2000 रुपये प्रति पैकेट भी आलू बिक जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं होंगे, और ज़्यादातर किसान जो हैं काफ़ी संतुष्ट हैं। हालांकि रेटों में गिरावट का दौर जारी है, रेट अच्छे जो है 50 से 100 रुपये खुद किसान बोलने को वो कर रहे हैं और व्यापारी बता रहे हैं 50 से 100 रुपये के डाउन है। 950 रुपये तक बिकने वाला आलू जो है 800 रुपये तक बिक रहा है, यानी 850 तक भी बिक रहा है। हालांकि मैं आपको एक बार बता दूं, क्वालिटी ही बिक रही है। अगर आप कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड आलू का, जैसे कि 650 भी है, 700 भी है, 750 भी है, तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि जो क्वालिटी वाला आलू है वही आलू अच्छे रेट पर बिक रहा है, बाद बाकी अपने उसी डर बिक रहा है। और कई किसानों को लगता है कि हमारा आलू कटरीना कैफ है या ऐश्वर्य राय है, ऐसा नहीं है। हर किसान का आलू अलग अलग होती है, जैसी मिट्टी होती है मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार आलू का भाव लगता है और आलू की उपज भी उसी तरीके से होती है। हालांकि अभी मंडियां, कुछ लोग यूट्यूब पर ही मंडियों को स्थिर बता रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कह दूं, अगर मंडियां स्थिर हैं तो तुम अपना आलू बेच क्यों नहीं लेते? आपके पास में भी तो 2-3 लाख का पैकेट पर बचा हुआ है, क्यों नहीं आप अपने पैकेट बेच के वो कर रहे हैं? और जो व्यापारियों वाली बात आ रही है, तो व्यापारी तो 100 नहीं 500 रुपये नीचे खरीदेगा, जब उसे पड़ता, उसे दिख रहा है, उसे लग रहा है कि आगे जाकर रेट गिरेंगे, उसे घाटा हो सकता है। आज भी एक गाड़ी 50 से 60 हज़ार रुपये तोड़ के ला रही है, तो ऐसे में वो रिस्क क्यों लेंगे? आप महंगे में बैठे हैं, अच्छी बात है, आपका आलू है, आप अपना महंगा 2000 भी देखिए, 3000 भी देखिए, बिल्कुल संतुष्ट मत होइए। लेकिन व्यापारी को तो अपना बच्चे पालने हैं, परिवार चलाना है, ऐसे में वो रिस्क नहीं ले सकता। आज की बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति गाड़ी जो है तोड़ के ला रही है, ऐसे में व्यापारी रिस्क नहीं लेना चाहता, और इसी वजह से व्यापारी हसन की वजह से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि हसन बम्पर है। अभी तो केवल वीफर का आलू आया है, जब इतना तहलका मचा है, और आने वाले दिनों में 2 या 3 अगस्त से आपका जो राशन का आलू है वो आना शुरू हो जाएगा, ऐसे में स्थिति उलट होगी। इसी वजह से व्यापारी जो है अपना आलू जो है कम मात्रा में खरीद रहे हैं, और अपना आलू जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है उसे ही रेट भर ले जो चल रहे हैं उस पर निकाल रहे हैं, ताकि उनका जो खरीदा हुआ है वो निकल आए और जो किसानों का पेमेंट करना है वो भी हो जाए। ऐसे में जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, अनुकूल चल रहे हैं, संतुष्टि ही सेवा होती है। और अगर आपको अगर रेट अच्छे लग रहे हैं तो निकाल दीजिए, नहीं अच्छे लग रहे हैं देखना है 1200-1500 बिकेगा तो बैठे रहिए, महंगाई जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक बेड़ा गर्क हो गया तो फिर ऐसी महंगाई का कोई काम नहीं है। हमेशा महंगाई में जो 1000 या 1200 या 2000 रुपये के सपने लेके बैठे हुए हैं वो कोल्ड स्टोर से भारी भरकम लोन उठा के ले जा चुके हैं। ऐसे में आप किसान भाई जो छोटे किसान हैं या वैसे किसान हैं, वो अपना आलू इच्छा अनुसार सामर्थ्य के अनुसार निकालते रहिए, आने वाले दिनों में स्थिति उलट भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, चांस बहुत कम है ऊपर जाने के, लेकिन नीचे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन